आज हम आपको इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट, नए डिजाइन का डोरमेट बनाना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। डोरमेट में पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज हम 4 इंच की पटिया ली है, सभी पटिया साड़ी की ली गई है। पट्टी का एक हिस्सा लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं और इस प्रकार से एक लूप बना लेते हैं। सुई धागा लेते हैं और यहां पर सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से एक लूप बना लेते हैं। इस प्रकार से दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। लूप इस प्रकार से 2 उंगलियों के डाल लेते हैं। इस प्रकार से इस पर सेफ्टी पिन द्वारा नोट लगा रहे हैं। आज एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सिखा रहे हैं आपको। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं, इसके अंदर से इस प्रकार से पट्टी को पकड़ते हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार से दूसरी नोट लगाए, इसके अंदर के आप दूसरी नोट के अंदर के एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से इस प्रकार से 2 नोट लगा चुके हैं। रिंग को उंगलियों से आगे पीछे खिसकाते रहते हैं। इस प्रकार से पट्टी को निकालते हैं। इस प्रकार से ये लूप बनी होती, इस लूप के अंदर से पट्टी को निकालते हैं। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार से पट्टी को पकड़ते हैं और दूसरी नोट, इस नोट के अंदर से दूसरी नोट को निकालते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ इस प्रकार से नोट लगाते हुए यहां तक नोट लगा चुके हैं, यहां से यहां तक नोट लगा चुके हैं। एक नोट और लगाएंगे।
एक नोट लगाने के बाद में इस नोट के अंदर एक नोट और लगानी है, इस प्रकार से पट्टी को पकड़नी है। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो चुका है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इसमें यहां पर अगली नोट में पट्टी को निकालते हैं, नीचे की ओर से निकाल देते हैं पट्टी को। इस प्रकार से अब इसमें हम गैप वाले स्थान पर जो बीच में गैप बना हुआ है, इसमें बीच में गैप, इसमें एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। एक नोट लगा चुके हैं, इस नोट के अंदर एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से एक नोट हो चुकी है। अब इस फंदे में ही एक नोट और लगानी है। और इस नोट के अंदर से एक नोट और लगानी है। इस प्रकार से एक फंदे में दो नोट लगाते हुए दूसरा राउंड पूरा कर लेते हैं। एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए यहां तक आ चुके हैं। इस गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से एक फंदा निकाल चुके हैं। इस फंदे के अंदर एक नोट और लगाना है। इस प्रकार से बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ में आने पर। इस प्रकार से एक नोट हो चुकी है। इस गैप वाले स्थान पर एक फंदा और निकालना है। इस प्रकार से पट्टी को पकड़ना है और इस प्रकार से नोट निकाल लेना है। इस प्रकार से दो नोट लगा चुके हैं और हमारा दूसरा राउंड पूरा हो चुका है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए यहां तक आ चुके हैं, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से एक नोट लगा लेते हैं और इस नोट के अंदर से एक नोट और निकालते हैं।
इस प्रकार से एक नोट पूरी हो चुकी है। अब इसमें इस लूप के अगले फंदे के पास में लूप है, इसके नीचे से नीचे की ओर पट्टी को निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है। पूरा डोरमेट बनाने के बाद में इस प्रकार से पट्टी को नीचे निकाल लेते हैं राउंड पूरा होने के बाद में, और हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है। अब आगे इन फंदों का आकार भर चुका है, ये फंदों का आकार भर चुका है, तो इस राउंड में एक फंदे में दो फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक नोट लगा चुके हैं, दूसरी नोट और निकाल रहे हैं एक फंदे में से, इस फंदे में ही। इस प्रकार से एक फंदे में दो नोट लगाते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में दो फंदा निकालते हुए इस प्रकार से ये राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे, दो राउंड लगाएंगे, दो राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए दो राउंड लगा देते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए दो राउंड लगा चुके हैं। दो राउंड लगाने के बाद में डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इसमें लास्ट में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से लास्ट में डोरमेट बनने के बाद में आप इस अगले फंदे के लूप के पास में से पट्टी को नीचे की ओर निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है। पीछे से पट्टी को यहाँ से पट्टी को काट लेते हैं और सुई धागे की सहायता सिलाई करके अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट क्लोज हो जाता है और हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।